राजस्थान में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर में 21, झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू की अगर बात करें यहां 7, कोटा में 6, धौलपुर और राजसमंद में 5-5, अजमेर में 3, उदयपुर में 2, टोंक में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मिला। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 8,693। जयपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हुई और राजस्थान में अब तक कोरोना से 194 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 194 लोग अपनी जान कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। राजस्थान के 33 जिलों में कोरोना वायरस ने पैर पसार लिए हैं। आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जयपुर में 21 कोरोना पॉजिटिव, झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, टोंक में 1 पॉजिटिव मिला। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम, और जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कौन सी एज ग्रुप के वो मरीज हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर हालातों की बात की जाए तो जैसे लॉकडाउन 4 लागू हुआ था और अब देश को अनलॉक करने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा शहर की बात करें तो कोटा शहर में जो आंकड़ा है वो आज 458 पहुंच चुका है, तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। और लगातार जो गुमानपुरा थाना क्षेत्र है वो कोरोना हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की एहतियात की बात करें तो वो जो इलाके हैं जिनमें लगातार कोरोना के मरीज निकल के आ रहे हैं उनको जीरो मोबिलिटी किया है। पहले जो प्रशासन का काम करने का तरीका था उसमें कर्फ्यू का जो इलाका था उसको बढ़ाया गया था, मगर अब जहां पर भी कोरोना का जो पेशेंट निकलता है उसके बाद में जो पॉजिटिव की पुष्टि हो जाती है तो 50 मीटर के दायरे में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र कर दिया जाता है और उसी इलाके के लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। साथ में चिकित्सा विभाग लगातार अच्छे परिणाम भी दे रहा है। अगर कोटा चिकित्सा विभाग की बात करें और कोटा जिला प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है तो कहीं ना कहीं वो कम भी होता जा रहा है, क्योंकि लगातार अब तक 342 कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर भी है। जी मनीषा, राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। 194 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं हर जिले से। झुंझुनू से हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, देखिए, वहां से भी अभी आंकड़े जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ये मैं जानना चाहूंगी कि वो वहां के निजी लोग हैं, वहां के रहने वाले मूल निवासी हैं, या फिर कहीं बाहर से वो लोग आ रहे हैं? जी मनीषा, आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर जो कोरोना है वो काफी असर उसका कोरोना का झुंझुनू के अंदर देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में अब तक की बात की जाए तो अभी तक कुल 131 पॉजिटिव जो झुंझुनू जिले के अंदर मिल चुके हैं और लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने की जो संख्या है वो लगातार जारी है। अपन बात करें झुंझुनू की तो झुंझुनू के अंदर एक वार्ड नंबर 1 में एक ऐसा परिवार है जो पूरा परिवार कोरोना संक्रमित मिला है, उसके बाद झुंझुनू में जो आंकड़ा है वो 131 पर पहुंच गया है। लेकिन ज्यादातर जो कोरोना पॉजिटिव जो आ रहे हैं वो बाहर से आने वाले प्रवासी है, वही कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। सुजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या ज्यादा है, उनमें कोरोना ज्यादा पाया जा रहा है। और इस प्रकार से लगातार राजस्थान में जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 8600 के पार ये जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। धौलपुर से हमारे संवाददाता मुनेश धाकरे फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनेश, बताएं क्या अपडेट धौलपुर से? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर में लगातार जो कोरोना पेशेंटों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और आज भी कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 6 की रिपोर्ट सामने आई है। तो जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में मरीजों की संख्या सामने से आने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी जो कोरोना पॉजिटिव है ये सभी जो प्रवासी हैं वो बताए जा रहे हैं अभी तक की रिपोर्ट में। जी मुनेश, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो हर जगह से अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं और ज्यादा जो प्रवासी हैं उनमें कोरोना यहां पर पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि कल से अनलॉक का दौर चालू होगा और तब चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का जो दौर है चौथा वो खत्म हो रहा है आज। ऐसे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
क्योंकि चिकित्सा विभाग लगातार अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम लगातार कर रही है, लगातार फीडबैक तमाम अधिकारियों से लिए जा रहे हैं। राजसमंद से हमारे संवाददाता गौतम शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौतम, क्या अपडेट राजसमंद से? जी मिनिस्टर, बिल्कुल बताते हैं कि आज राजसमंद में 6 और नए पॉजिटिव आए हैं जी। इसको लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन सूचना के बाद उनके गांव में पहुंचे हैं, जिस गांव में जो पॉजिटिव आए हैं उस गांव में पहुंचे और पूरे गांव को जो सील किया गया है और लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने और मुंह पर मास्क रखने आदि अन्य जानकारियां दी गई है। गौतम जी, गौतम, अब जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं कौन सी एज ग्रुप के वो हैं? जी मनीषा, ये बताना चाहता हूँ, जो भी अब तक पॉजिटिव आए हैं वो सभी महाराष्ट्र और सूरत से आने वाले ही हैं और ये करीब 30-45 उम्र के लगभग आए हैं। गौतम, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में चुनौतियां अब और ज्यादा बड़ी होने वाली हैं क्योंकि कल से अनलॉक का दौर शुरू होगा। ऐसे में हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि अनलॉक में भी सतर्क रहें, जन सहूलियत को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सभी चीजें वापस से खोली जा रही हैं, तो ऐसे में सावधान होना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। टोंक से हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। देखिए फिरोज, लगातार जो ग्राफ है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा है, क्या अपडेट फिलहाल, क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम? जी मनीषा जी, मैं बताना चाहूंगा आज भी एक नया कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। हालांकि पहले से जो रफ्तार जो तेज थी अब वो थोड़ी सी कम होने लगी है जी। अब टोंक शहर को छोड़ के ये ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, रोजाना एक आध मामला सामने आ रहा है। कल भी एक दूनी क्षेत्र का मामला सामने आया जी। आज टोंक के जो 10 किलोमीटर के एरिया से बाहर वो ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाता है जो पक्का बंदा है, वहां से एक नया पॉजिटिव का मामला सामने आया। अब ये आंकड़ा टोंक में 164 का हो गया है, मगर रात की बात ये है कि 157 लोग रिकवर हो चुके हैं और इसमें से 6 केस ही अब शेष बचे हैं। फिरोज, वही दूसरी और दो बार जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है जो पहले पॉजिटिव थे जी। फिरोज, ये बताएं कि वो जो एक कोरोना पॉजिटिव आज आया ग्रामीण इलाके से है, वो वहीं के रहने वाले थे या फिर कहीं बाहर से आए थे? नहीं, वो भी यहीं के इसी क्षेत्र के बताया जा रहे हैं, पक्का बंदा क्षेत्र के जी। अभी वहां जाके सैंपलिंग की जा रही है चिकित्सा विभाग द्वारा और उनको अस्पताल में रेफर किया गया है। बिल्कुल फिरोज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार जो ग्राफ है वो राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, लगातार हर जिले से अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 194 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की चपेट में आकर। उदयपुर से हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट उदयपुर से? जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जो है अब थोड़ा सा जो है उदयपुर में कम होने लगा है। आज जो है 2 नए पॉजिटिव मिले हैं और उस तरह से जो अभी जो आंकड़ा है अगर पॉजिटिव की बात करें तो 543 हो चुका है। हालांकि जो लॉकडाउन 4.0 है तो उसमें जिस तरह की अब रियायतें दी गई है, तो जो कंटेनमेंट क्षेत्र है, जो कर्फ्यू जोन है, उसको छोड़ के शहर में कई जगह पर जो है अब जो है बाजार खुल चुके हैं, जरूरत की चीजें जो है अब लोगों को आसानी से मिल पा रही है, तो ये एक उदयपुर शहर को एक बड़ी राहत है। जी रवि, ये बताएं कि जो 2 कोरोना पॉजिटिव आज आए हैं वो कहीं बाहर से आए थे या फिर वहीं के मूल निवासी थे? जी बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल ही उदयपुर लोकल की हैं, अभी तक इसमें जो है प्रवासी जो है कोई सामने नहीं आ पाए हैं। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि लगातार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में जो कोरोना पॉजिटिव 2 आज सामने आए वो वहीं के निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए थे। खास बात यह कि वहां से कोई प्रवासी अभी तक कोरोना से संक्रमित सामने नहीं आया है। ऐसे में और ज्यादा सतर्क होना, सावधान होना बेहद जरूरी है क्योंकि कल से अनलॉक का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में बहुत सावधान होकर हर कदम उठाना होगा।
लोकेश ओला हमारे संवाददाता फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश बताएं क्या अपडेट। देखिए लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कल जो है अनलॉक का दौर शुरू होने वाला है, क्या फिलहाल अपडेट? जी बिल्कुल, लगातार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन रात भरी खबर यह है कि लगातार जो ठीक होने वालों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और प्रदेश में अब रिकवरी का जो प्रतिशत है वो 66.60 हो चुका है। ऐसे में लगातार जिस तरह से रिकवरी हो रही है वो प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। प्रदेश में हालांकि आज 73 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या 8,793 हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार बीते दिनों से 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें तीन दिन के बाद तो शुक्रवार को तकरीबन 298 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे उनमें से, और जो ठीक होने वाले की संख्या की बात करें तो 429 ठीक हुए थे शुक्रवार को। उसी तरह बात शनिवार को 252 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे और उसमें ठीक होने वालों की संख्या 495 थी। ऐसे में ठीक होने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और शनिवार एक और खास बात यह है कि जो डिस्चार्ज करने वालों की संख्या भी 526 थी। ऐसे में अब तक कुल मिलाकर बात करें तो प्रदेश में 5,772 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, वहीं 5,099 यानी कि तकरीबन 5100 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ऐसे में जो एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश में अब 2,727 एक्टिव केस है और उनमें सबसे अधिक जो बात करें प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव आने वालों में तो प्रवासी सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और अब तक 2,458 प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जो प्रवासी कोरोना पॉजिटिव है उनमें सबसे अधिक पाले में 317 कोरोना पॉजिटिव जो प्रवासी है वो मिल चुके हैं, नागौर में 315 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, इसी तरह डूंगरपुर में भी 312 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। हालांकि जयपुर की बात करें जयपुर में अब तक 61 जो प्रवासी है वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। आज जिस तरह से प्रदेश में 76 जो कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं उनमें जयपुर में 21 कोरोना पॉजिटिव है और जयपुर में अब तक 1982 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। हालांकि जयपुर में एक और मौत भी हुई है और मौत का आंकड़ा जयपुर में 91 हो चुका है। इसी तरह प्रदेश में भी अब तक 193 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसमें शनिवार की बात करें शनिवार को 9 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी, ऐसे में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो राहत भरी खबर तो यही है कि जो प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है जो एक राहत भरी खबर कही जा सकती है प्रदेश के लिए। इसी तरह बात जयपुर में एक्टिव केसेज क्योंकि जहां सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर में एक्टिव केसेज में बात करें तो 308 जयपुर में एक्टिव केसेज सबसे अधिक कही जा सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से जोधपुर में भी एक्टिव केसेज की संख्या 346 जो सबसे अधिक जोधपुर में एक्टिव केसेज है। इस तरह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उसमें बात करें तो जयपुर के अस्मा अस्पताल की जो नोडल अस्पताल घोषित किया गया था उसको अब कोरोना से ठीक किया जा रहा है और जो अस्मा में भर्ती जो मरीज थे उनको आरएचएस में जी जी लोकेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।